नया शमशेर ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे हम मिल चुके हैं आपसे एकदम रेडी सेडी होके। तो आप पूछेंगे कहाँ जा रहे हैं, मतलब रेडी सेडी होके, इतना रेडी सेडी होके तो मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो आज जा रही मैं डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास मुझे मतलब नाइट में मुझे डॉक्टर मिलेंगे, इवनिंग में बुलाए हैं, लेकिन मिलना मुश्किल है। टाइम हो जाता है 7 बजे 8 बजे 7-8 बज जाता है। तो 7 तो मुझे बच जाएगा वहाँ पे पहुँचते पहुँचते ही, 8-9 बजे मुझे डॉक्टर मिलेंगे। मुझे घर आते आते ना गाइस, आप मैं आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी भी, 11 या 12 बजेंगे तो पक्का आप इतना तो बजने वाला ही है। और हम आपसे लगे रहेंगे वीडियो में और दिखाएंगे कहाँ हम दिखाते हैं। तो हमारे पैरों में है थोड़ा प्रॉब्लम, तो ये पैर को हमें दिखाने जाना है। तो हम कितने बार वीडियो में बताए हैं सारा कुछ अपने पैर के बारे में, अगर हमारा वीडियो आप पहले से देखते हैं तो आपको पता होगा। तो चलिए चलते हैं अपने डॉक्टर के पास, वीडियो में हमारे ऐसे ही बने रहे। तो है एवरीवन, हम यहाँ पे अपने बैठ गए हैं ऑटो में अपने घर से और जा रहे हैं स्टेशन जाके ट्रेन पकड़ेंगे, उसके बाद और टिकट भी निकालना है। फाइनली हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन, अभी ट्रेन आने वाली है, कुछ 2 मिनट में आने। मैं भाग भाग के आई और जैसे मैं आया ऐसे ट्रेन लगी हुई थी, नंबर अनाउंस कर रहे थे, तो बस हम आ गए 5 नंबर पे। अभी ट्रेन आ ही रही है, सामने दिख रही है, मैं आपको बैक कैमरे पे दिखाती हूँ। सो फाइनली यहाँ पे ट्रेन आ चुकी है, देख सकते हैं सामने दिख रही है। और हम फटाफट मोबाइल पर्स में रखते हैं, बहुत गर्दी होती है शाम को, देख सकते हैं आ चुकी है ट्रेन। सो फाइनली हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, आप देख सकते हैं। सो फाइनली हम आ चुके हैं स्टेशन पे, अभी डॉक्टर के पास जाना है मुझे और आपको हम दिखाएंगे डॉक्टर को, से डॉक्टर के पास जाना है। और मेरे साथ कौन जाने वाला है वो आपको बैक कैमरे पे अभी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे थे, अब हम जाएंगे डॉक्टर के पास और हम चल दिए हैं फ्रिज में। क्या सो फाइनली हम जहाँ क्लिनिक पे आते थे ना वहाँ पे डॉक्टर आए नहीं, मतलब अपने क्लिनिक पे आज बैठे हैं प्रभा देवी में। तो प्रभा देवी में मैं अभी तक गई नहीं हूँ, अभी तक यही जब तक मतलब मेरा स्टार्ट फर्स्ट टाइम था ना तब से लेके, और अभी मैं सेकंड थर्ड टाइम आ रही था, तीसरा बार है, तो तब तक मतलब मैं यहीं पे आई हूँ, फर्स्ट टाइम जा रही हूँ प्रभा देवी में, देखती हूँ कहाँ। तो ये रही हमारी डॉक्टर की बिल्डिंग, जो कि हम ऐसे ही दिखा रहे हैं आपको, बहुत बड़ी है, और हम बैक कैमरे से दिखाएंगे आपको ऊपर जाके। फाइनली ये रहा, अब चलते हैं प्रभा देवी। फाइनली हम आपको इसका नाम बता देते हैं, रहा डायमंड प्लाजा बिल्डिंग, तो जिसको भी प्रॉब्लम हो वो इधर आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं टैक्सी पकड़ने, और टैक्सी पकड़ के जाते हैं प्रभा देवी में। फाइनली हम लोग आ गए हैं प्रभा जी में, सिटी में आके थे और बोल देते तब आप समझ आते, चलते हैं आपको दिखाते हैं। तो हम आ गए अपने डॉक्टर के पास, ये रहा, तो इनका खुद का क्लिनिक है, यहाँ पे हम आ गए। सो गाइस, तो यहाँ पे डॉक्टर को आने में टाइम है अभी थोड़ा, तो हम चलते हैं कुछ थोड़ा बहुत खा लेते हैं। क्या है तो यहाँ पे सैंडविच, तो देखते खाने का मूड हो रहा है पानी, तो घर से निकले कितने बजे का, 5:30 बजे, तो देखते हैं। तो एक जगह और दिख रहा है, देखते हैं वहाँ पे क्या है, तो कुछ खा लेते हैं फिर जाते हैं डॉक्टर के क्लिनिक। तो डॉक्टर नहीं आए थे तब तक हम यहाँ पे खाने आ गए हैं सैंडविच, तो हम कुछ हैवी ज़्यादा नहीं खाएंगे, तो हम खाएंगे सैंडविच और खाएंगे बर्गर, दोनों मिल कर खाते हैं। ये रहा इनका बर्गर, ये रहा मेरा सैंडविच, फटाफट खा लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे, बताते टेस्ट भी कैसा है। सो हे गाइस, तो यहाँ पर डॉक्टर को हम दिखा उखा लिए हैं, और अंदर अलाउड नहीं रहता है, बड़े बड़े डॉक्टर का यही तो प्रॉब्लम रहता है, अंदर अलाउड नहीं रहता है दिखाने के लिए, तो हम दिखा उखा लिए चलते हैं घर पे। तो मेरी प्रॉब्लम तो दूसरी ही आ चुकी है, और जो कि मेरे जो
प्रॉब्लम है पहले से, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, वो ठीक है। और बोल रहे हैं जॉइंट डॉक्टर को दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे ना घुटने से बैठने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको दिखाना है अभी डॉक्टर को, तो देखते हैं। देखते हैं दूसरे डॉक्टर के पास जाके उसमें क्या, उसी पैर में मुझे तकलीफ आया, इसलिए मुझे टेंशन हो रहा था कहीं कुछ मेरे नस को ना प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाए, और मुझे सॉल्स भी लेना था, तो हो गया इधर का। अब चलते हैं घर पे। सो है गाइस, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं स्टेशन। स्टेशन पे बहुत गर्दी है यार, एसी के दो टिकट कटा लिए हमने, और वो ट्रेन आई नहीं रही जिसके हमने टिकट कटाई। ये टिकट तो मतलब नॉर्मल ट्रेन आ जा रही है, तो इनको बहुत गर्दी होती है ना सारा रात में, 9 बजे के मतलब 9 बजे क्या 5-6 बजे के बाद ही बहुत गर्दी होने लगती है। तो टाइम हो रहा है कुछ हम दिखाते बताते आपको, 9:30 बज चुके हैं अभी, बहुत भारी गर्दी हो रही है। देखते हैं घर पर कब पहुँचते, तो देख सकते हैं ये ट्रेन बहुत अच्छी चल रही है, ये एसी की नहीं है, टिकट कटा लिए तो क्या बताएं, दो टिकट निकाले 100-100 रुपये की, और आए थे बताए हम कितने में, 15-15 रुपये। मैं 15 रुपये का टिकट कटा के आई थी अपना घर, तो देखिए चलते हैं अभी घर पे, ट्रेन तो आ जाने दीजिए फिर आपको दिखाते हैं। और चलते हैं फाइनली, हम गुनगुन का फेवरेट वेल ले चुके हैं और इसको खाएंगे हम। तो मेरे सामने सूखा वेल मिलता है ना मुझे, तो मैं बिना खाए छोड़ती नहीं, मैं खाती हूँ, मैं ले ली हूँ यहाँ पे वेल और खाऊंगी स्टेशन पे खड़े खड़े, खाओगे? तो फाइनली हम लोग बैठ गए और गर्दी नहीं है, सबसे अच्छी बात बहुत अच्छा लग रहा है, अभी चलते हैं पूरा घर पे। अब देखते हैं बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, मिलाते हैं आपको और आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं पूरे एसी का लुक का, ट्रेन का बहुत मस्त है, पूरा एक ही डब्बा एक साथ इसका ऐसा रहता है, देख सकते हैं कितना दूर दूर तक आपको दिख रहा होगा, इसका डब्बा डब्बा नहीं रहता है, बहुत लंबा सा रहता है। इधर खिड़की उड़की सब पैक है, कुछ पता ही नहीं चल रहा, दस डोर और भी बंद है। तो फाइनली हम लोग इस ट्रेन से उतर चुके हैं, अब जा रहे हैं घर, और घर जाने के बाद बताते हैं क्या खाना पीना हम लोग का होने वाला है। ट्रेन मेरी इधर जा रही है और बहुत मज़ा आया, और ना गर्दी थी और ना ही गर्मी तो पता ही नहीं चला, लेकिन हाँ स्लो चलते घर पे, मिलते हैं आपसे। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं यहाँ फाइनली रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए, और भूख लगी 11 बजे, तो देखते हैं पेपर सैंडविच खाएंगे, तो थोड़ा फटाफट वेज खाना है, चलते हैं। और मेरा मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला है, तुम अपने मोबाइल में कर लो, हाँ देना मोबाइल अपना। थोड़ा बहुत बाकी रह जाएगा। तो फाइनली हम लोग का खाना आ चुका और हम खा रहे हैं यहाँ पे, पूरा खाना लग चुका हम लोग का, थोड़ा सा यही खाना है मुझे आज, फ्राइड राइस, और आप यहाँ पे देख सकते हैं फटाफट। सो है गाइस, तो यहाँ पर रात को हम लोग को आते आते 12:30 बज चुके थे, तो इसीलिए हम मतलब ब्लॉग मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, हम लोग खाना खाने के बाद फालूदा वगैरह पिए, उसके बाद आए घर पे, घर पे आके हम लोग सो गए, तो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, नहीं तो आपको दिखाया होते, सारे बच्चे हमारे जाग रहे थे, चिल्लम चलम किए थे, मतलब मैं आई मतलब 12:30 बजे, उसके बाद भी मतलब 1:30 को मैं इनको सुलाई अपने छोटे बाबू को, और नहीं गुनगुन खोली थी, गुनगुन जागी थी। तो बच्चे हमारे जाग रहे थे, तो बस इतने ही ब्लॉग था हमारा आज का ब्लॉग, मतलब मैं बोली थी कि आप घर जाते जाते कितना, मैं सोची थी आपको बताऊंगी और घड़ी भी दिखाऊंगी, लेकिन मोबाइल मेरी धोखा दे गई थी, तो क्या बताऊं। और मिलती हूँ हम नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड मॉर्निंग। हाय बोला, गुड मॉर्निंग बोला, गुड मॉर्निंग। तो मेरी वीडियो आपको अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हाय करो, हाय हाय, बाय करो, हाय करो, तो अभी नहीं करेंगे, हाय कर दो, किसी दे दो, किसी दे दो, तो अपने मन के मालिक हैं, इनका कुछ कर नहीं सकते।